मैं जानता था आई न्यू इट कि तुम अभी तक रेडी नहीं हो. कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं. इनमें से कुछ भी नहीं पहनने वाली हो तुम. हर साल करवा चौथ के दिन मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाता था और इस बार भी लाया. ये लीजिए, जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे बहुत भूख लगने लगी है अभी और मैं चाहता हूं कि मेरा चांद गैस के पहले नीचे आ जाए. और सुनो, हो सके तो अपने बाल खुले छोड़ दे, बहुत प्यारी लगो. हरी आप. हेलो. हाय नैना, डैड हियर. मैं आपको कहा था ना मुझे आपसे बात नहीं करनी है. You are such a kid, यार. अगर कोर्ट की हेयरिंग में जूही ये प्रूव नहीं कर पाई कि वो लीगली और फाइनेंशियली तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक है, तो कोर्ट मेरी बेटी मुझे सौंप देगा. और बेटा, अब जब मिस्टर राम कपूर अपनी वाइफ के पास वापस चले गए हैं तो तुम्हारी मॉम का आखिरी सहारा भी गया. तो अब तैयार हो जाओ अपने डैड के पास वापस आने के लिए. हाँ, गिव. कैसी लग रही हो? जैसे कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो. तुम्हें देखकर जिस प्रिया को मैं ढूंढ रहा हूं ना, वो आज मेरे सामने खड़ी. बस एक चीज की कमी. परफेक्ट. मॉम, चांद निकल आया. आप ऊपर जाके पूजा की तैयारी करिए, ये मैं देख लेती हूं. हाँ, यहां पर सब तैयार है ना. और पूजा की थाली कहाँ? ये. ओह, ओके, थैंक यू. एक्चुअली हमें सौम्या और ऋषभ का वेट करना चाहिए ना. सौम्या और ऋषभ खाना बाहर खाने के लिए, और वैसे भी ये सब कुछ मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए प्लान किया. अब खाएं.
कैसा बना है? बहुत 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 अच्छा। I hope मिस्टर मल्होत्रा को भी मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगे। बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये मिस्टर मल्होत्रा दिखते कैसे हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा। वही है क्या वो लंबे बाल वाले? हाँ बस वो ही। अब नो मोर क्वेश्चंस, खाना खाते हैं यार, बहुत भूख लगी है। नो मोर क्वेश्चन, नाउ ईट। सैमी प्लीज यार, दिस गम इट्स सो अननोइंग। क्यों, वो कहावत नहीं सुनी? गम को बुलाने के लिए गम से अच्छा कुछ नहीं है। मैंने लिखी है थैंक यू। ओह गॉड, अब कौन सा कांड हुआ? तुमने किसी लड़की का दिल तोड़ा या फिर किसी लड़की ने तुम्हारा? लड़की ने मेरा दिल तोड़ा। हे हाय सुहानी, तुम इस टाइम यहाँ? हाँ, वो राम सर ने बुलाया था प्रिया मैम का चेकअप करना। चेकअप एट दिस टाइम? नहीं नहीं, वो उन्होंने मुझे सुबह बोला था, बट यू नो आई एम स्टार्टिंग ना, तो सुबह से टाइम ही नहीं मिला। आई जस्ट गॉट फ्री, डायरेक्टली कॉलेज से ही आ रही। बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हो तुम। जूनियर डॉक्टर है ना, सीनियर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वैसे भी नोबल प्रोफेशन में है ना। हे हाय, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं प्रिया मैम का चेकअप करने के लिए आई थी। ओह वेल, प्रिया एंजल तो इस वक्त बिजी है, उन्होंने एक्चुअली डिनर ऑर्गेनाइज किया है। एनीवे यू डोंट वरी, मैं उनको बता दूंगा कि तुम आई हो। इन द मीन टाइम प्लीज कम जॉइन अस। नहीं थैंक यू, मैं ऊपर कमरे में उनका वेट कर लेती हूँ। एंड वैसे भी मैं यहाँ पार्टी अटेंड करने थोड़ी आई, जब वो फ्री हो जाए जस्ट टेल हर दैट आई एम वेटिंग फॉर हर। श्योर, आई एम श्योर ये आप पार्टी के लिए आई थी, बस नाटक कर रही। तुम्हें पता है इसे देख के मुझे लड़कियों की कौन सी टाइप याद आती है? कौन सी? वो होती है ना दोस टिपिकल टाइप्स। बस बहाना चाहिए मॉम के पास जाने का और हमारे सर्कल में आने का, सर्कल ऑफ रिच एंड फेमस। ओह मायरा, आई एम डेफिनेटली गोना कन्विंस वन ऑफ डैड्स बिजनेस पार्टनर टू लॉन्च मी इन अ मूवी लाइक दिस। व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेयर समथिंग कूल लाइक अ ब्लेजर जैकेट शॉर्ट। गुड आइडिया, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग गाइस। आह फाइनली मिस्टर मेहता, मिस्टर जोशी, माय वाइफ प्रिया। आप लोग एक ड्रिंक लीजिए, आई विल जॉइन यू गाइस सून। मिस्टर मल्होत्रा नहीं आए? हाँ वो देयर ही इज, जिसका नाम लिया आ गए। हाय मिस्टर कपूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये है मिस्टर मल्होत्रा एंड दिस इज माय वाइफ प्रिया। ओह मिसेस कपूर, नमस्ते। नमस्ते। ये मिस्टर मल्होत्रा है? हाँ व्हाट? मिस्टर मल्होत्रा के तो लंबे लंबे बाल हुआ करते थे ना। लंबे बाल? मैं तो पहले से ऐसा हूँ, I mean by birth. It's nice meeting you Mrs. Kapoor. बहुत सुना आपके बारे में और आज हम पहली बार मिल गए। पहली बार? I was saying कि आप और डैड पार्टनर्स हैं, so I'm sure आप डैड से बात कर सकते हैं। अगर आप और डैड मिलकर मुझे लॉन्च करें तो मैं सलमान से बात करूंगा। अब क्या है वो हम एक्टर्स में ऐसे चलता है, अगर मैं उसे कहूंगा तो वो डेफिनेटली आपकी बोर्ड मीटिंग में आएगा। आप जहां कहेंगे, जब कहेंगे तब आएगा। आप सर बस मुझे लॉन्च तो कीजिए। यू नो व्हाट, योर फादर एंड मी आर गुड बिजनेसमैन और हम कभी हारती हुई चीजों पर पैसा नहीं लगाते। करे Wow, superb! The best food I ever had. मेरी बीवी ने सब कुछ। Superb, भाभी जी, कमाल का खाना बनाया। Thank you. सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ, उसके बाद मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। I'm feeling so bad, यार। मॉम को हमारे बारे में कुछ याद ही नहीं है। And you know about my stomach infection, ना? मैं कैसे खाऊंगी? I don't want to disappoint her. I don't know what to do. Pari, Myra, idhar aao na. Yeah, mom, we'll come. Maine biryani banayi hai. Papa ne kaha tum dono ko bahut pasand hai. Thoda lo na. Mom, mujhe nahi khani hai.
आई मीन मुझे स्पून से नहीं खानी है. बिरयानी ना ऐसे खाते हैं. इट्स यम्मी मॉम, सीरियसली ट्राई इट. या भाभी जी, मेरे लिए बिरयानी आप पैक कर सकते हैं? बिकॉज यू नो फ्रेंकली मैंने कभी पहले आपका बनाया हुआ खाना नहीं खाया था. मैं तो कॉन्टिनेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो लास्ट मिनट पे राम ने मुझे बताया कि आप कुक कर रहे. यू नो वॉट, आई वॉज लिटिल वरीड बिकॉज इंडियन खाना थोड़ा स्पाइसी होता है, पर ये खाना तो वाओ अमेजिंग. आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर, पर ये खाना खाने के बाद में आई वॉन्टेड सम पैक्ट. अब मैं अपने कुक को बताऊंगा इंडियन खाना कैसे बनाते हैं. मिर्च कम, स्वाद ज्यादा. जरूर, मैं पैक कर देती हूँ. एक्सक्यूज मी. मैं अभी आया. प्रिया, एक 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 मिनट गुस्सा मत हो यार. आपने मुझसे झूठ बोला प्रिया. आपने मुझे कहा कि मल्होत्रा के बाल लंबे हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा. तुमने कुछ कहा, मैंने बस हाँ में हाँ मिलाई. लेकिन आपने ये तो कहा ना कि उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, जबकि आज हम पहली बार मिले. ओके ओके, मैंने छोटा सा झूठ बोला, ठीक है. लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, सारे हस्बैंड झूठ बोलते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब चलता है. तो क्या पहले हम एक दूसरे से झूठ बोलते थे? अरे नहीं बोलते थे, लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल गया ना. क्या? थैंक यू. गलती करने के लिए थैंक यू. मुझे संभालने के लिए थैंक यू. लेकिन मैंने झूठ बोला. हाँ, इसलिए क्योंकि सच मुझे बुरा लगता. तुम्हारा विश्वास तोड़ा ताकि मेरा दिल टूटने से बच जाए. आपने ये सब इसलिए किया ना ताकि मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाए. राम, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा इज वेटिंग एक्चुअली. हाँ अभी. मॉम, व्हाट्स हैपनिंग? यू हर्ट ना? ये सब जो हो रहा है ना आप ही के वजह से हो रहा है. बट एनीवेज, आपको बताने का फायदा ही क्या है? इट्स जस्ट नो यूज. व्हाट आर यू टॉकिंग? डैड ने कॉल किया था. क्यों? उनको लगता है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए. मुझे भी लगता है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए. देन व्हाट आर यू टॉकिंग यार? देयर इज नो यूज स्टेइंग इन दिस हाउस. कोई फायदा ही नहीं है. कोई फायदा नहीं है मतलब? ये जो भी हो रहा है ना आप ही के वजह से. आपने ही पोस्टपोन की थी ना शादी. अगर नहीं की होती ना तो राम डैड हमारे साथ होते. स्टॉप इट. पूरी फैमिली हमारे साथ है. नो नो स्टॉप इट. मायरा परी पीयूदी सब मेरे साथ हो गए. जस्ट स्टॉप इट. नाउ लिसन टू मी, डोंट टॉक लाइक दैट. लिसन, व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? हाउंडिंग मी. हाउंड मी. हाउंड मी. हाउंड मी. यू ऑलवेज हाउंड मी. हाउंड मी. व्हेन यू कॉलिंग इट बेबी है. लेकिन मैं नहीं हूं. छोड़ेगी मुझे? मैं उसको बचाती हूं. अभी आप मेरे पीछे पड़े रहते. यू ऑलवेज हाउंड मी. हाउंड मी. यू ऑलवेज हाउंड मी. हाउंड मी. मॉम, डू यू अंडरस्टैंड? स्टॉप हाउंडिंग मी. नैना, ऐसे बात करते कोई अपनी माँ से? तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? तुम रात को चैन से सो सको इसलिए वो रात भर जागती थी. तू रात भर ठीक से सो सके इसलिए मैं रात भर जागती थी. चाहे कितनी भी तबीयत उसकी खराब हो लेकिन तुम्हारे लिए खाना बनाती थी. इज दैट हाउंडिंग? जब तुम स्कूल से आती थी तो वो तुम्हारे लिए दौड़ के जाती थी कि तुम ठीक हो ना. इज दैट हाउंडिंग? कब खाती
कब पिएगी, कब सोएगी, कब उठेगी, कब स्कूल जाएगी, कब खेलने जाएगी, हर चीज के लिए पागल रहती थी मैं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर ख्वाहिश का ख्याल रखा, इज दैट हाउंडिंग? ऐसे बात करते हैं क्या अपनी माँ से? हाउंडिंग? माँ बच्चों का ख्याल रखती है, इज दैट हाउंडिंग? Sorry. Priya, Priya, relax. Relax, relax. एक मिनट, please excuse me a minute. Are you okay? क्या हो क्या क्या Priya? What happened? पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया? I'm sorry, Naina. मैं एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा जूही मैं प्रिया इट्स ओके आई डोंट नो मुझे क्या हुआ मैं आई एम सॉरी मैं प्लीज डोंट टच मी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.